अस्सलाम असलक्रम वरम्तुल्ल वरक सेमी प्लास्टिक मलशन के लिए वाटर पाँच के केजी वाटर लेंगे 5 केजी पानी ले लेंगे एस एच एम पी हमें पंद्रह ग्राम मिक्स करना है अच्छे तरीके से ये जो आज हम सेमी प्लास्टिक मलशन बनाने जा रहे हैं ये हम हैंड ड्रिल से एक ड्रम ही बनाएंगे अच्छी तरह जब पोलिंग मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर ए फोटी यूज़ करेंगे -a -40 -40 50, ग्राम्स। 50 ग्राम्स डाल दें इसके बाद हम एन पी नाइन यूज़ करेंगे एन पी नाइन थर्टी थर्टी टू ग्राम्स बत्तीस ग्राम आप देखें कि ए फोर्टी और एन पी नाइन डालने के बाद झाग आ गई है जैसे फोम बन गया है बहुत ज़्यादा जैसे साबुन का फोम होता है या सरफ़ का होता है वैसे फो फोम ही हो गया वाटर सारा तो अब, अब हमें इस फोम को ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर एंटी फोम जो है ना वो डालेंगे ताकि ये जो बबल्स हैं फोम के ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए एंटी फोम दिया ट्वेंटी ग्राम्स जैसे ही एंटी फोम डालेंगे अच्छी क्वालिटी का एंटी फोम फ़ौरन जहा को ख़त्म कर देगा सेमी प्लास्टिक इमल्शन और सुपर मल्शन बनाने का सारा सेम ही तरीका सेमी प्लास्टिक इमल्शन में टाइटेनियम डाइऑक्साइड पॉइंट फाइव के जी जाएगा सेमी प्लास्टिक इमल्शन में और जब हम इमल्शन बना रहे होंगे तो इमल्शन में आप 500 सौ ग्राम भी ड्रमी में यूज कर लेंगे टाइटेनियम तो वो काफ़ी होगा और दूसरा एंड पे हम उसकी रेशो चेंज करेंगे पी की सिर्फ दो फ़र्क आएंगे सेमी प्लास्टिक मल्शन और इमल्शन में बाकी सेम प्रोसीजर होगा टाइटेनियम को बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, हैंड मिक्सचर है तो इस वजह से हमें ज़रा आहिस्ता आहिस्ता रुक के इसको चलाएंगे और बिल्कुल दाना नहीं बनना चाहिए बिल्कुल एक एक दाना जो है ना वो पानी से आपने ख़त्म करना है मैंने हाई स्पीड पे नहीं बनाया इसके बाद हमने कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट ब्राइटी ब्राइटी 1000 8.5 किलोग्राम 5 केजी मिक्स करनी है और ये आहिस्ता आहिस्ता आपने ब्राइटी ऐड करनी है ताकि पानी के अंदर जो है ना अच्छे तरीके से सारा मटेरियल मिक्स हो जाए अच्छी ब्राइटी यूज़ करें जो हज़ार मैश की मैं ब्राइटी यूज़ कर रहा हूँ ये कमांडर कंपनी की है इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है और ये मैश भी इसके वन थाउजेंड मैश पूरे हैं मशीन साथ चलाते रहें जो हैंड मिक्सचर है आपका वैरायटी अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए उसके बाद इसके अंदर हमने वैरायटी जो है पच्चीस सौ मैश की हम दो बराइटीज़ मिक्स कर रहे हैं एक हम हज़ार मैश की डाल रहे हैं एट पॉइंट फाइव के जी साढ़े आठ किलो और उसके बाद हम पच्चीस सौ की बराइटीज के अंदर एडअप करेंगे पच्चीस सौ की बराइटी हमें हाइडिंग भी देगी वो टाइटेनियम का नेमल बदल हो सकता है थोड़ा सा मगर मुकम्मल हाइडिंग नहीं देगी टैटैनियम ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा मैंने ये डिटेल में वीडियो बनाई है ताकि आप देख सकें कि ब्राइटी कितनी देर में मिक्स हो जाती है इसको मिक्स होने में मिनिमम फाइव टू तो सेवन मिनट्स लगेंगे अगर हाई स्पीड पे भी आप मिक्स करेंगे जब आप एंड पे मैंने पूरे बैच का फार्मूला भी दिया हुआ है कि अगर आप दो सौ के जी का बैच लोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख के सारे रा मटेरियल खरीद के आप मटेरियल बना सकते हैं। ये ब्राइटी जैसे-जैसे मिक्स होती जा रही है। पेस्ट जो है वो गाढ़ी होती जा रही है। कैल्शियम कार्बोनेट ब्राइटी 2500 मैश टू 0.5 किलोग्राम ये 2500 मैश की ब्राइटी है। ये हम 2.5 केजी जो है ना ये भी हमने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालनी है और बिल्कुल आहिस्ता से इसको मिक्स कर रहे हैं इसके बाद Water, के पानी ऐड करेंगे ये पहले हमने पानी बचा के रखा हुआ था पहले हमने पाँच के जी यूज़ किया था एक के जी अब हम बाद में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पेस्ट काफ़ी गाढ़ी हो गई है और हैंड मिक्सचर से मिक्स करना ज़रा मुश्किल हो गया अच्छी तरह जब आपकी वैरायटी मिक्स हो जाए आप देखेंगे कोई दाना शाना नहीं रहना चाहिए वराइटी पाउडर तो 600 मैश फॉर हंड्रेड थर्टी कंपाउडर इसके बाद बाद ग्राम। अंदर ऐड करेंगे 600 मैश वाला ये बिल्कुल मुलायम होगा 600 सौ मैश का जो टेलकम पाउडर है ये हमने 430 ग्राम से ले 450 ग्राम तक एक ड्रमिंग के अंदर यूज़ करना है इसको भी अच्छे तरीके से आप मिक्सअप कर लें इसके बाद हम इसके अंदर मर्गाल लिक्विड मरगाल या बायोसाइड जिसको लिक्विड बायोसाइड मैंने हर चीज़ की तस्वीर जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख भी दी है और मैंने साथ वीडियो के अंदर उसकी तस्वीरें लगा भी दी हैं ताकि आप लोगों को मार्केट से चीज़ें ढूंढने में बहुत आसानी हो बहुत दोस्त फ़ोन करते हैं आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप पर रबा किया करें हमने नाइट्रोसोल यूज़ करनी है हंड्रेड ग्राम्स मगर इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमने इसके अंदर स्प्रिंकल करना है आहिस्ता आहिस्ता हमने मिक्स करना है क्योंकि जैसे ही हम नाइट्रोसोल डालेंगे तो पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी दो तरीके होते हैं एक ये तरीका होता है कि पहले आप ए फोटी और एन पी नाइन के बाद जब हमने एंटी फॉर्म डाला था उस जगह पे अमोनिया फिफ्टी ग्राम हम अपना जो था ना नाइट्रोसोल की पेस्ट बना लेते तो क्योंकि हम हैंड मिक्सचर से बना रहे थे तो इस वजह से हमने बाद में यूज़ किया है नाइट्रोसोल के बाद इसके अंदर हमने अमोनिया ऐड कर दिया अमोनिया का जब रिएक्शन होता है नाइट्रोसोल के बाद तो पेस्ट काफ़ी गाढ़ी हो जाती है और वैसे भी अमोनिया न्यूट्रलाइज़ करेगा हमारी प्रोडक्ट को यहाँ पे हमें कम से कम कोई दस एक मिनट हैंड मिक्सचर चलानी पड़ेगी ताकि नाइट्रोसोल का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए अब आप देखें कि नाइट्रोसोल का दाना काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया इसके बाद हम इसके अंदर टेक्सानोल जो है वो ऐड करेंगे टेकसानोल टेकसानोल 200 हम इसके अंदर ग्राम्स. दो सौ ग्राम के करीब डालना प्रोडक्ट्स का सीक्वेंस यही रखिएगा इसी तरतीब से मटेरियल डालेंगे सिर्फ आप नाइट्रोसोल की तरतीब चेंज कर सकते हैं कि उसको पहले भी चला सकते हैं पहले चलाने से ज़रा दाना जो है ना वो अच्छे तरीके से हाई स्पीड पे ख़त्म हो जाता है अभी भी कुछ थोड़ा सा दाना है मगर आहिस्ता आहिस्ता जब हम चला रहे हैं हैंड ड्रिल को तो नाइट्रोसोल का दाना भी ख़त्म हो रहा है और मटेरियल हीट अप हो जाता है इधर हल्का सा चल चल के अब हम इसके अंदर एम ई जी फाइव हंड्रेड ग्राम पांच सौ ग्राम एम ई जी एड करने के बाद अच्छी तरह मिक्सअप कर लेंगे फ्रेगरेंस फ्रेगरेंस खुशबू एड करनी है बीस ग्राम आप अपनी पसंद के हिसाब से मोतिया या लेमन कोई भी खुशबू यूज़ कर सकते हैं फ्रेगरेंस मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पी वी ए डालेंगे सबसे एंड पे पी वी ए अगर आप सादा इमल्शन बना रहे हैं तो वन पॉइंट फाइव के जी सफिशेंट है तो अगर आप सेमी प्लास्टिक इमलशन बनाना चाह रहे हैं तो पी वी ए की मकदार जो PVA है फाइव के जी से ले के थ्री के जी तक होगी क्योंकि हम सेमी प्लास्टिक इमलशन बना रहे हैं तो इसके अंदर हमने टू पॉइंट फाइव के जी पी वी किया है इसके बाद मटेरियल रेडी है और इसको हमने ड्रमी के अंदर फिल कर दिया है उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी सेमी प्लास्टिक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम इसके बाद इसको हम मैं टेस्ट कर लूँगा थोड़ी सी पेस्ट लेंगे सेमी प्लास्टिक मक्शन की तो ड्राउन रॉड के साथ वेट फिल्म जो है वो हम इसकी अप्लाई करेंगे तो कुछ देर के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसको चेक कर सकते हैं इसकी हाइडिंग वग़ैरह और इसकी क्लॉथ वगैरह सेमी प्लास्टिक फंडशन की बहुत अच्छी आएगी ये मैंने अप्लाई किया आप देख सकते हैं कवरिंग भी इसकी बहुत अच्छी है अगर आप कोई दोस्त होल सेल वग़ैरह में मटेरियल ख़रीदना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में, में मेरा नंबर अवेलेबल है तो आप लाहौर में हमारी शॉप से ख़रीद सकते हैं बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम